जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ भगवान गणेश जी के, गणपति जी के चमत्कारी उपाय, टोटके और मंत्र शेयर करने जा रहे हैं। जो लोग अपनी नौकरी में परेशान हैं, व्यापार में परेशान हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है, यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। छोटा सा वीडियो है, इसलिए आपको चाहिए कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बड़ा ही उपयोगी, जानकारी वर्धक वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय व्यापार में, नौकरी में लाभ के लिए है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, लगातार हानियाँ हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सुबह के समय आपको स्नान करके साफ हल्के लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेना है। भगवान श्री गणेश जी के चित्र को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कीजिए। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह होना चाहिए आपका। और भगवान गणपति जी के सामने दीपक जलाएँ, लाल रंग के फूल चढ़ाएँ और फिर पूजा शुरू करें। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मूली, चावल, फूल, तांबे के लोटे में थोड़ा जल लीजिए। धूप, प्रसाद आदि आप जरूर रख लें, मोदक रख लें। भगवान गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। आप चाहें तो इसे रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। अगला उपाय है रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए। रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा ही अचूक उपाय इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए भगवान गणेश जी की पीले रंग की मूर्ति आपको चाहिए। तो भगवान गणपति जी के पीले रंग की मूर्ति स्थापित करें, लाल रंग के वस्त्र पर स्थापित करें और हर रोज़ आपको पीले मोदक का भोग लगाना है। हर रोज़ रोज़ाना पीले मोदक का भोग लगाएं, मोदक चढ़ाएं। पीले आसन पर बैठकर आपको ओम हेरम व्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इस प्रयोग को लगातार 27 दिनों तक करना है। तो ये कार्य आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हैं और लगातार 27 दिनों तक इस उपाय को करना है। ऐसा करने से रुका हुआ पैसा अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। गणेश जी से आप मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा ही चमत्कारी अचूक उपाय बताते हैं। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन आपको 27 हरी दूर्वा की पत्तियाँ लेनी है। जी हाँ, 27 ग्रीन हरी दूर्वा की पत्तियां लेकर एक कलावे में बांधकर प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाना है। आपको वक्रतुंडाय हूम मंत्र का 27 बार जाप करना है। ऐसा लगातार 27 दिनों तक करें। ऐसा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। 27वें दिन आप अपनी मनोकामना भगवान श्री गणेश जी के समक्ष रखें और रोजाना भगवान गणपति जी के किसी भी स्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे गणेश जी के कुछ अचूक चमत्कारी उपाय जो आज इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन उपायों को करके देख सकते हैं, निश्चित ही इसका लाभ आपको मिलता है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।